रात को हमने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया था। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ आतंकवादी कुछ छिपे हैं जो यहाँ पे कुछ हरकत करना चाहते हैं, तो उस पर हमने कॉर्डन ले किया था। सुबह कॉर्डन पे फायरिंग आई है जिसमें सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान शहीद हुआ है और तीन और चार और जख्मी है। एनकाउंटर अभी चल रहा है, मजीद जानकारी एनकाउंटर के बाद। सर किसी घर में छुपे हुए हैं सर? ये ऐसा लग रहा है कि किसी घर में है। अभी फर्स्ट लाइट के बाद पूरी तफसील से सर्च होगी तब फिर देखा जाएगा। लेकिन सर क्या इनपुट्स आप लोगों के पास थे, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी है लगातार? इनपुट्स के बेसिस पे ही ये सर्च शुरू की है। सर पीएम का ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन जारी है। अभी क्लियरिंग की प्रक्रिया चल रही है। दो आतंकी मारे गए हैं अभी तक, दोनों की डेड बॉडी रिकवर हो गई है। दो AK-47 राइफल बरामद हुए हैं और भी मैगजीन्स और एमिनेशन काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुई हैं, और जैसे ही ज़्यादा जानकारी मिलती है हम आपको सूचित करें। हमारे 5 लोग जख्मी हैं जिसमें 2 जम्मू कश्मीर पुलिस की और 3 CISF के, और 1 CISF के जवान की शहादत हुई है और बाकी सुरक्षित है। आतंकवादी की आइडेंटिफिकेशन उनकी के कहाँ, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है शुरुआती जांच में कि फॉरेन टेररिस्ट थे।